जी को लहर जी केड़ी जादू दी छड़ी है कि जेड़ा बंदा उन्हां नूं कहिंदा सी कि रबड़ दा गुड्डा है और चाबी नाल चलता है और जदों उन्हां नूं मिल के निकलिया और एक बड़ा निग्गा जिहा सुभाअ दे विच गल कीती उन्होंने। लेकिन कल जिहड़ी नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने स्टेटमेंट दित्ती है तां मैं ये कहने की बजाए कि वह सच्ची मुची भगवंत मान तो इंप्रैस होकर बाहर निकले, मैं ये तुक्का लाना चाहूँगा कि उन्हां दा यह बयान भगवंत मान दे बारे एक पोलिटिकल और दूजी गल हुण आप दे कोले 92 MLA हैगे, सरकार बन चुकी है, 5 साल उन्होंने चलना है, मैनूं लगदा नहीं कि उन्होंने किसी लैवल दे उपर नवजोत सिंह सिद्धू दी लोड़ है। यह है कि अक्सर कहने हैं कि जिहड़ी पंजाब दीआं सरकारां ने जिहड़ी मर्जी पोलिटिकल पार्टी है दिल्ली तो चलदी है, दिल्ली का प्रैशर बहुत है, एक शब्द यूज़ करदे आ हाई कमांड, पता नहीं वो हाई कमांड है भी ने उन्हां च इन्ना दम है भी है कि नहीं है। स्वागत है तुहाडा सारिआं दा अज दे प्रोग्राम दे विच। इनकलाब और इनकलाब की मुलाकात हुई, एक पासे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ते नाल मुलाकात हुई नवजोत सिंह सिद्धू की जो अपने आप नूं CM दा दावेदार कहिंदे हुंदे सी। ये मुलाकात ने थोड़ा जिहा भूचाल लिआंदा और लोगों दीआं बहुत प्रतिक्रियावां निकल के सामने आईआं, खास तौर पर सोशल मीडिया से हर कोई रिसर्च स्कॉलर बन गया, बहुत तरह दीआं ऑप्शनस इहदे चों लभण लग गया और बहुत तरह के तुक्के लाउण लग गया। सो फिर असी भी क्यों पिछे रहिंदे, असी भी अज दे प्रोग्राम दे विच सिर्फ तुक्के लाउण दी कोशिश करांगे कि ये मुलाकात दे मायने की ने। मैं मनवीर कौर, पंजाब प्लस शो तुसी देख रहे हो, मेरे नाल पाली भुपिंदर जी ने जिहड़े बहुत चंगी तरह जानदे आ पंजाब दे हालातां नूं और तुक्के लाउण दे माहिर हैगे आ कि नहीं। हां बिल्कुल, मैं समझदा मैं भी चंगे तुक्के ला रहा हां। सब तो पहला तुक्का दसो कि भगवंत मान जी कोल इहो जी किहड़ी जादू दी छड़ी है कि जिहड़ा बंदा उन्हां नूं कहिंदा सी कि इह रबड़ दा गुड्डा है और चाबी नाल चलदा है और जदों उन्हां नूं मिल के निकलिया और एक बड़ा निग्गा जिहा सुभाअ दे विच गल कीती उन्होंने, कोई इदां नहीं उन्होंने कोई बयान दिता, रादर उन्होंने कहा कि 15 सालों तो यह बंदा एवें दा एवें ही है, मैनूं भरोसा है। खैर नवजोत सिद्धू जी सब नूं पग दा लड़ कह दिंदे ने, किहड़ी जादू दी छड़ी भगवंत मान जी कोल? इहदे दो तीन जवाब बन सकदे आ मनवीर। प्रैक्टिकली जवाब यह है कि सच्ची मुची भगवंत मान नूं जदों कोई मिलदा है तां भगवंत मान बोलण दे विच बहुत सलीकेदार है, उहदे गल्लां उस नूं बहुत सुझदियां और उह तुहानूं मतलब कि इदां क्योंकि गल्लां दे विच राह नहीं दिंदा, उह जे सच्ची मुची उह वधिया मूड दे विच होवे फिर उहदे कोल कहिण नूं बहुत कुछ हुंदा और बहुत लाइट मूड दे विच उह बहुत सीरीयस गल्लां वी कर जांदा। लेकिन कल जिहड़ी नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने स्टेटमेंट दित्ती है तां मैं ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੌਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਗਨਲ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਲੇਕਿਨ ਐਜ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸੈਂਸਿਸ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ
और दूजी गल हुण आप दे कोले 92 MLA हैगे, सरकार बन चुकी है, 5 साल उन्होंने चलना है, मैनूं लगदा नहीं कि उन्होंने किसी लैवल दे उपर नवजोत सिंह सिद्धू की लोड़ है। हाँ, एक तुक्का लगा सकते हैं, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मे बी शायद शायद किते ना किते एक दोनों चो किसी के मन के संगरूर वाली सीट हो जी कि भगवंत मान होर करके खाली हो चुकी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पर यह मैं लगता कि यह बहुत एमेच्योर जहाँ तुक्का होगा, हले ये गल नहीं कही जा सकती क्योंकि ना नवजोत सिंह सिद्धू एडा वड्डा रिस्क लै सकते हैं आप दे विच जान दा, ना ही मैं लगता आप एडा वड्डा मतलब कि गेम खेल सकती है। सो यह एक अंदाजा है, जो लग रहा तो मैं लगता यह अंदाजा ही है। आम आदमी पार्टी नूं लोड़ नहीं हैगी, सिद्धू साहब नूं लोड़ बहुत है, उन्होंने अपनी ग्राउंड एक द्वारा स्थापित करनी है। कारण इहदा यह है कि अक्सर कहने हैं कि जिहड़ी पंजाब दीआं सरकारां ने, जिहड़ी मर्जी पोलीटिकल पार्टी है, दिल्ली तो चलती है, दिल्ली का प्रैशर बहुत है। एक शब्द यूज़ करते हैं हाई कमांड, पता नहीं वो हाई कमांड है भी ने, उन्होंने चना दम है भी है कि नहीं है, पर वो साढ़े पंजाब नू टैक्निकली कांग्रेस नू भी चलाउंदा, उ ही एक तरह नाल भगवंत मान ते भी इल्ज़ाम आए ने कि अरविंद केजरीवाल ही चला रहे ने भगवंत मान दे अफसरां नू, नॉलेज शेयरिंग समझौता कर लिया, एंड इस तो इलावा पोस्टिंग्स दे विच भी रौले पए, सिर्फ कथित तौर पर रौले ही ने। सो तुहानू नहीं लगता कि यह दोनों जने कि रल मिल के एक प्रैशर ग्रुप बन के अपनी अपनी हाई कमांड्स नू सबक सिखाने की गल कर रहे? नहीं, देखो दोनों की पोजिशन थोड़ी थोड़ी वक्री, आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला आप चलो भगवंत मान जी की गल करते हैं, बिना शक भगवंत मान जी के उपर यह इल्जाम लगातार लग रहा है कि वह रिमोट कंट्रोल्ड CM ने और उन्हों का सारा काम दिल्ली तो चल रहा है। लेकिन मैं ये लगता कि राजनीति में चीज़ा इन सरल कभी भी नहीं होंदिया जिन्हिया मनवीर नज़र आदि होंदिया ने। असी थोड़ा पिछे चलते हैं, एक टाइम से जो सारे पंजाब दे विच गज वज के कहा जा रहा है कि भगवंत मान नूं केजरीवाल जी कदे भी CM कैंडीडेट नहीं बनाएंगे, और असीं जानते हैं कि वह मुद्दा घट्टो घट पूरे पिछले इलैक्शनां तों लैके इन्हां इलैक्शनां तक चलिया। यह भी कहा गया कि पिछले इलैक्शन आप वाले इस करके हार गए क्योंकि उन्होंने आखिरी टाइम तक CM दा कैंडीडेट अनाउंस नहीं किया, और यह गल कितने ना कितने सच भी है क्योंकि पंजाब दे विच अज भी जिहड़ी वोट पैंदी है क्योंकि असी वीर कल्ट तो बाहर नहीं निकलिया। पंजाब दे बारे एक चीज़ समझ लेनी चाहिए है कि सभ्याचारक तौर पर असी हीरो कल्ट वाले लोग हाँ, वीर पूजा वाले लोग हाँ, सानूं एक नायक चाहिए हुंदा हमेशा। तो असी 300 साल 400 साल तो एक लीडर के आसरे चलती आई कौम आ, तो वह लीडर केजरीवाल जी किसी भी अगे कर नहीं सके, कितने ना कितने इहियां गल्लां आईयां कि केजरीवाल जी खुद एक लीडर बनना चाहते हैं पंजाबियों का, तो पंजाबियों को दिल्ली का कोई लीडर कदे भी एक्सैप्ट नहीं हुंदा। तो वह पिछली बार इलैक्शन खिंडर गए, देखो जो मन ले गया 100 सीटा आ रही ने, मुश्किल नाल आप देखिए कि वह 23 सीटा पर जाके सिमट गए। तो ठीक इस बार भी रौला यही सी आखिरी टाइम तक भगवंत मान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। भगवंत मान एक तरीके दे नाल बहुत नमोशी की स्थिति सामना करनी पैंदी सी जो हर कोई लिखता सी फेसबुक से सोशल मीडिया से कि केजरीवाल भगवंत मान यूज़ कर रहे हैं, कदे भी CM नहीं बनाएंगे। तो तुम देखो कि उस वेले भगवंत मान जी कदे नहीं डोले क्योंकि मैं उन्होंने दिनों का गवाह, मैं उन्होंने दिनों में भगवंत मान होर अटैच सी, मतलब ही वाज सो कॉन्फिडेंट क्योंकि भगवंत मान कितने ना कितने पता सी, सारे पंजाब नूं पता सी कि भगवंत मान तो वधिया ऑप्शन ना, आप नूं तां छड्डो किसी पोलीटिकल पार्टी कोले नहीं सी। ते फिर उही होया कि जदों आखिरी टाइम आंदा गया, जिवें जिवें टाइम आंदा गया, केजरीवाल साहब ने मे भी सारे ट्राई किए हुण सैक्शन, और फाइनली है टू अनाउंस आफ्टर ऑल उन्होंने भगवंत मान अनाउंस करना पिया। और तुसीं देख सकते हो जिद्दन भगवंत मान नूं अनाउंस किया जाता है CM का कैंडीडेट, अगले दिन ही पार्टी का ग्राफ कितने की कितने चला जाता है। तो असी उस पोजिशन तो भगवंत मान उठ के इतों तक पहुँचे, तो अज ये गल भी मैं नहीं लगता, यह भी एक अंदाजा ही है कि भगवंत मान बहुत ज़्यादा केजरीवाल तो रिमोट के नाल चल रहा है। ये ठीक है कि कुछ दखल अंदाजी नज़र आई है जिमें कि 5 राज्यसभा दी सीटां वेले, और जिमें कि बाद इतों के सद के उत्थे बंदे जाते हैं, होर भी गल्लां बहुत आदियां ने, ब्यूरोक्रेसी उन्होंने इशारियां ते चल रही है, इह जिहियां गल्लां कीतियां जांदियां ने। पर मैं लगता कि यह सारे के सारे अंदाजे ने, और यह गल्लां कही जा रही ने, कुछ चीज़ां नज़र आ रही ने लोगों को आने वाले दिनों में, आप हजे मैं लगता कहना बहुत जल्दी होगी क्योंकि पंजाब स्टेट तो दिल्ली क्योंकि वह हाई कमांड है, तो दोनों ने हाल की घड़ी रल के चलना है, जिन्नी देर तक रल के चल लैणगे ये चीज़ां सही होणगियां, कंप्लीकेशन उदन खड़ी होएगी मनवीर जिदन रल के नहीं चल रहे। हर कोई हाई कमांड एक अपना जो एक CM चेहरा दिता और CM बंदा बन भी गया, उस तो बाद एक विकल्प की हमेशा आप तैयार करते हैं भी एक ऑप्शन होवे साडे कोल
ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪੈਰਲਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਣਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਭਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗਾ ਮਨਵੀਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹਜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛਪੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੂਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਔਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਰੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁੱਕਾ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਐਜ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੈਰ ਬੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇ ਆ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਚੀਫ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਕੱਲ ਪੈਰਲਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ
उन्होंने दोबारा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और वह छड़ गए थे जो नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान से, उन्होंने वापस ज्वाइन कर ली और हेडलाइन नहीं बन पाई, वो किसी भी अखबारों के भी कोई बहुत वड्डी सुरखी बन के आ नहीं पाई कि कांग्रेस पार्टी इन्ना दबा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू नहीं तो उन्हों का ओरा जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू का जिहड़ी उन्हां दे विच एक ताकत है पब्लिसिटी लैण दी किसी भी लैवल तक पहुँच जाते हैं और सारे के सारे मीडिया घुमा के रख देंगे ने और मीडिया नूं बोलण दा भी मौका नहीं दिंदे। और मेरे दिमाग च सीरियसली क्वेश्चन रड़कदा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी ने भगवंत मान नूं बोलण दित्ता भी होएगा कि नहीं दित्ता होएगा। ये सच्ची मुची एक इंट्रस्टिंग सवाल है, पर मैं जिन्ना क समझ सकदा अंदर जो कुछ होया हो, जे मैं विजुलाइज करना होवे तां मैं मान लैणा कि 60-70% नवजोत सिंह सिद्धू जी बोले होणगे और 30% भगवंत मान जी, क्योंकि हुण ओह सीएम ने ते अपने ओहदे दा ध्यान रख के। वैसे भी भगवंत मान दे विच इक खासियत है कि जदों कोई अगला बंदा बोल रिहा होवे तो वह सुनता। मैं परसनल जाति अनुभव तो कह दिना कि भावें तुम की बोल रहे हो की नहीं बोल रहे, ये भगवंत लिए मैटर नहीं करता, लेकिन भगवंत की एक खूबसूरती तो है कि जे वह जो बोलता बिना शक भगवंत ही बोलता, लेकिन जो सुनने पर आ जाए तो दूजे की गल बहुत वधिया सलीके नाल सुनता। ये भगवंत का एक प्लस पॉइंट है जरूर। अंदर नवजोत सिंह सिद्धू 70% बोले हो ना, तो मैं मान लैंदा कि भगवंत मान ने 25-30% रिएक्ट किया हो, सुनिया हो और सीएम के अहदे की मर्यादा रख के मैं लगता कि वह घट बोले हो। गर्मी बहुत है, बेअंत गर्मी है कि आप हीट वेव है, लू वगदी पई है, तो जैकटा पा के बैठे हुए थे नवजोत सिद्धू जी। जिहड़ी भगवंत मान जी की जैकट से फिर भी एक फैंसी है नहरू जैकट टाइप लग रही थी, जिहड़ी नवजोत सिद्धू जी ने पाई ना मैनू कन्फ्यूज कर रही थी भी ये की चक्कर पै गया। या तो उन्होंने एसियां च ही रेंदे है, उन्होंने पता ही नहीं कि बाहर इन्नी गर्मी हैगी है। नहीं मैं नहीं लगता कि ये अगेन कोई बहुत वड्डा मुद्दा है मनवीर, ये आप बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं। तुम समझो कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने इज ए मीडिया परसन, उन्होंने तुम जो कपिल शर्मा शो के उन्होंने बैठे देखे नवजोत सिंह सिद्धू को जिड्डा वड्डा वार्ड रोब है, तुम बस जस्ट उन्होंने जैलसी कर सकते हो। कमाल के कपड़े, इस तो भी बैटर जैकट हैगियां ने उन्होंने को, चमकनिया जिया टाइप बहुत नाइस। शौक नाल जीवन वाला बंदा कोई नहीं, मैं नहीं लगता कि आप इस पर गर्मी सर्दी तो देख लेनी चाहिए क्योंकि अजकल कि गर्मी सर्दी है, तुम जो गड्डी चो एसी चो उतर के एसी च पड़ जाना कोई प्रॉब्लम नहीं। लालजीत भुल्लर जी ने नवजोत सिद्धू जी बारे थोड़ी जी तिखी टिप्पणी की, उन्होंने कहा हारे हुए नकारे हुए। खैर यदा जवाब तुम पहला दे भी दिता कि वह हारिया नहीं है लीडर, लेकिन अकाली दल भी ये कुद पिया भी सीएम के गैसट की इंसल्ट की गई है। और लालजीत भुल्लर ने तो मीटिंग शुरू होने तो पहला ही कह दिता सगा कि हारे हुए लोगों वालों नकारे हुए, उन्होंने बहुत एम्फेसाइज करके नवजोत सिद्धू ने कहा नवजोत सिद्धू च कैपेबिलिटी हैगी कि दोबारा खड़े हो सकते हैं। देखो मैं लालजीत भुल्लर होरां दी इस गल नूं तां बिल्कुल ही इहनूं प्रशंसा दे काबल नहीं समझदा, रैदर मैं समझदा कि इह आलोचना कीती जाणी चाहीदी है इस गल दी। राजनीति विच कोई भी हारिया ते नकारिया नहीं हुंदा, जे तुसीं देखना चाहुंदे हो राजनीति विच हारिया ते नकारिया कौन हुंदा तां तुसीं 2017 विच आपदी पार्टी देख सकदे हो। एग्जैक्टली ठीक है, तां जे ओह हारी ते नकारी हुई पार्टी 92 सीटां लै के दुबारा अंदर आ सकदी है, भगवंत मान जी दे बारे कहा जांदा सी कि ओह अपना वेला विहा चुक्या है, ओह पंजाब दा सीएम बन सकदा है, तां सिद्धू साहब भी दुबारा बन सकदे। लालजीत भुल्लर दी इह टिप्पणी राजनीतिक मर्यादा दे बिल्कुल खिलाफ है और इह गैसट मेहमान नवाजी दे भी खिलाफ है। जदों भगवंत मान ने उन्हां नूं सद लिया जां आण दी मिलन दी परमिशन दे दी और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना दिल वड्डा करके उन्हां नूं मिलन चले गए, तां दोनों बहुत वधिया तरीके दे नाल मिल रहे हैं। लालजीत भुल्लर हैज़ नो राइट, उन्हां कोल कोई हक नहीं सी इस गल दे उपर टिप्पणी करन दा, और यह टिप्पणी जिहड़ी हैगी मैं इस नूं अभद्र टिप्पणी कहूँगा, दिस इज़ नॉट गुड, ये बिल्कुल सही नहीं हुई। जदों तुसीं मिल ही ले तुहाडा भगवंत मान होरां नूं खुद नूं कोई इतराज़ नहीं, और तुसीं ये टिप्पणी दे के की साबित करना चाहुंदे हो? सॉरी मैं इस नूं बिल्कुल भी इस नूं सही नहीं मानदा। नवजोत सिंह सिद्धू तुहानू की लगता कि उन्होंने दिमाग से जो पहला थॉट आया होगा कि चलो भगवंत मान मिल के आने, वो किस कारण करके आया होगा? क्योंकि सुखबीर सिंह बादल ने अक्सर कहा है कि मिसगाइडेड मिजाइल है, मैं कहना नहीं चाहती, बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, पंजाब की इकोनोमी की गल लगातार करते आ रहे हैं, पर यह मिसगाइडेड मिजाइल वाली गल सच लगती है कभी कभी सुखबीर बादल जी की, कितने मिसगाइडेड ही तो नहीं जाके उ भगवंत मान जी नूं मिला है कि इहदे पिछे की कारण हो सकदा इनिशियल वन? नहीं देखो राजनीति विच फिर असी चलो सुखबीर बादल जी विरोधी धिर दे लीडर ने और एक दूजे खिलाफ बयान देना इन्हां दी मजबूरी हुंदी है, वो इस करके भी दूजे दी इमेज नूं डाउन करना है, अपने आप नूं चर्चा विच रखना, तां राजनीति विच बयान देना बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हां दा बयान अक्सर ज्ञान वर्गा नहीं हुंदा। जे तुसीं कहो कि ज्ञान दे रहे, नहीं कोई ज्ञान नहीं दिंदे, उह बयान दिंदे और उह बयान ही हुंदे उह आप ही दे के भुल जांदे मैं सवेरे की कह के आया सी, ठीक है, तां उह इक सधारण बयान है, आपां नूं तूल नहीं देना चाहीदा। पर रही गल मिसगाइडेड मजाल दी, एक चीज़ समझ लईए कि नवजोत सिंह सिद्धू
पंजाब दे लई कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, वह शुरू तो एक ऐसा लीडर है जिहड़ा पंजाब दे लई कुछ करन दे मूड च उतरिया होया। सारे उन्होंने क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी कदे कदे उन्होंने क्रिटिसाइज करदा, सख्त लफ्जां दे विच करदा, मैं उन्होंने सिर्फ बोलबाणी करके करदा, लेकिन इस गल च कोई दो राय नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब दे लई कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने कोल पंजाब मॉडल से, दूजी उन्होंने प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि नवी पार्टी बना ग्राउंड लैवल से उतर के काम कर, एक तरीके समझ लो कि उन्होंने काली है थोड़ी जी, तो इस काली के फिर तो अनएक्सपैक्टड चीज़ा करनिया पैदा ने। तो वो जी कल जी चीज़ है अनएक्सपैक्टड, कांग्रेस के गए उन्होंने अंदर पूरा खलेरा पाता कैप्टन हटाने, इदा कहो कि कैप्टन हटाने नवजोत सिंह सिद्धू की सब तो वड्डी भूमिका है, वो गलत नहीं है। जो कहें कि मैं एक मुख्यमंत्री झटकाता, उन्होंने झटकाया और वह मुख्यमंत्री झटकाया जिन्होंने सारा पंजाब चाहता कि झटक जे, उन्होंने को पूरे दस नंबर ने इस गल पच्ची वाली गल चक के सामने लैके आता और एक क्रेडिट उन्होंने जाना नवजोत सिंह सिद्धू हुणां, लेकिन की है कि उन्होंने बहुत वक्त नहीं है। पार्टियां दे एक सिस्टम ने, गाइडेड सिस्टम ने कि जो 75-25 चलता है तो चुप कर दो, ठीक है मिलकर चलो खाओ रौला ना पाओ, इस चीज़ में गाइडेड चीज़ा कही जाए। नवजोत सिंह सिद्धू इस ढांचे च फिट नहीं होता, ठीक है, वो हाल की कड़ी नवजोत सिंह सिद्धू के उपर कोई बेईमानी का इल्जाम नहीं है। इन्हों दो लीडर रादर जी कॉमन चीज से ईमानदारी, भगवंत मान के नवजोत सिद्धू दोनों के उपर ही बेईमानी का कोई इल्जाम नहीं है और दोनों ही अपनी थान से पंजाब को डेडिकेटेड समझे जाते हैं। उन्होंने मिलना मैं पता है सुखबीर बादल तो कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आऊगा, हाडूंगे अर्थ कढ़ने की कोशिश करे तो कढ़ी जाए, कोई गल नहीं, राजनीति के हर एक चीज़ को अपने तरीके इंटरप्रेट करना यह तो आम जी गल है, लेकिन मिसगाइडेड मिजाइल मैं नवजोत सिंह सिद्धू नहीं मानता। वो धमाकेदार बंदा है और वह घबराहट पैदा करता है, वो जिहड़े सिस्टम च जांदा उसे सिस्टम च घबराहट पैदा करता है। सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू विच बोलण दा सलीका जिहड़ा सही होवे ना, तो स्टिल मैं समझदा कि वह पंजाब दा सब तो वड्डी किसी भी पोलीटिकल पार्टी की थ्रैट है। मैडीटेशन वर्क नहीं कर रही उन्होंने, मैडीटेशन जी सबर सिखाती है। नवजोत सिद्धू जी कहते मैं बहुत साधना करदा पर फिर भी कितने कितने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, खास तौर पर जो मीडिया ने रूबरू होंगे बेसिकली उन्होंने इरीटेशन झलकती है ना, फ्रस्ट्रेशन भी झलकती है, फ्रस्ट्रेशन इरीटेशन उन्होंने गुस्सा झलकता है, वो उस बंद का गुस्सा जो करना बहुत कुछ चाहता पर कर नहीं पा रहा। इरीटेशन यही नहीं है कि मैं सीएम बना दो, मैं नहीं लगता, मैं नवजोत सिद्धू जिन्ना समझ पाया इरीटेशन यही नहीं है कि मैं कुछ तुम दे दो, मतलब है कि मैं कुछ करना चाहता मैं कर नहीं दिता जा रहा, उन्होंने गुस्सा और पॉजिटिव गुस्सा है, शुभ गुस्सा है, मैं इस गुस्से को गलत नहीं समझता, बस मैं सिर्फ उन्होंने बोलने की कद कद तकलीफ होंगी, अदरवाइज मैं बिग फैन। ऑलमोस्ट आखिरी सैक्शन है, दो सीन हो सकते हैं, उन्होंने जो आके नवजोत सिद्धू जी ने मीडिया को बयान दिए उन्होंने लिकर कॉरपोरेशन की पंजाब की इकोनोमी कि खुला किया जाए, पंजाब नू दोबारा किदा अमीर बनाया जाए, उन्होंने सारी गलबात की। मान लो अगर सिचुएशन वन है कि भगवंत मान जी ने उदा एक तरह ना नवजोत सिद्धू ने जो अपना पंजाब मॉडल नवजोत भगवंत मान जी दिता, अगर भगवंत मान जी वो मन गए मॉडल तां भी एक तरह का नवजोत सिद्धू जी कहणगे कि देखिया मेरा मॉडल फॉलो कर लिया, क्योंकि नवजोत सिद्धू जी की आदत है अपनी अपनी चैसट थंपिंग करके गल नू मानते हैं। और दूसरा सीन अगर भगवंत मान जी ने ना मनिया then also नवजोत सिद्धू विल से देखिया मैं तां कहिंदा रहा सी। चलो जे किसी ने क्रैडिट लेना ले जाए, लेकिन मैं क्योंकि भगवंत नाल भी बहुत गल्लां कीतियां ने, मैं सिद्धू साहब नूं क्लोज तो फॉलो किया, दोनों की पंजाब प्रति फिक्रमंदी सेम है और यह गल भावें सिद्धू साहब कहण भावें भगवंत कहे, सारे पंजाब नूं ही पता कि पंजाब नूं रेवेन्यू चाहिए, यह तो गल कोई एड्डी है नहीं, तो मैं भी क्रैडिट लै सकदा क्योंकि मैं हर चैनल पर बोलता पंजाब नूं रेवेन्यू चाहिए, मैं भी खुद नूं शाबाशी दे सकदा, हर एक पत्रकार लिख रहा एक कॉमन बंदा भी लिख रहा कि पंजाब कर्जे दे विच है, सानूं उत्थों कढ़ना चाहिए, क्रेडिट कोई लैंदा लै जाए सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं, सानूं पंजाबियों नूं एक है कि साडा पंजाब बच जाए, साडे कोल पैसे आउण पंजाबियों कोल, जिहड़ा मर्जी क्रेडिट लै लवे सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, मैनूं लगदा जे सिद्धू साहब कल्ल नूं अपनी पिट थापड़नगे थापड़ लैण बस पंजाब बच जाए। पर पाली जी इहदे विच जो चीज़ां नवजोत सिंह सिद्धू दे पंजाब मॉडल च है उह तां भगवंत मान जी पहलां ही जाणदे आ, नवजोत सिंह सिद्धू तक फिर भी बहुत खांदे पींदे घर नूं बिलोंग करदे, और भगवंत मान जी तक बहुत सधारण परिवार तो सब दुख हंडा के इत्थों तक पहुंचे हुए। बिल्कुल भगवंत मान जी इहदे बारे समझ बिल्कुल क्लीयर है, पंजाब नूं किवें प्रॉब्लम चों कढ़ना है भगवंत मान क्लीयर है, मैनूं इह लगदा कितें ना कितें हाल दी कड़ी भगवंत मान दी प्रॉब्लम भी नवजोत सिंह सिद्धू वाली है, उह हुण खुद नूं कंट्रोल कर गए ने, प्रॉब्लम उहनां दी वी इही है कि मैनूं कुछ करन दिओ यार, मैनूं करन नहीं दित्ता जा रिहा, मैनूं लगदा कि दोनों बंदिआं दी प्रॉब्लम सेम है, और लेकिन आपां उम्मीद कर सकदे हां पंजाब बहुत माड़े हालातों चों लंघ के इत्थों तक पहुंचे। मनवीर मैं बहुत पॉजिटिव हाँ, मैं मन के चलदा कि नहीं भावें वह भला भगवंत मान जी के राही होवे पंजाब दा नवजोत सिंह सिद्धू के राही होवे सानू फर्क नहीं पैंदा, सानू पंजाबियों नू पंजाब दा भला चाहिए और यह जिहड़ी मिलनी हुई है कल नूं इहदे जो मर्जी असीं कितां करनियां हुण जो मर्जी अर्थ कढ़ी जाइए, मैनूं लगदा हाल दी घड़ी इह इक सधारण मिलनी हैगी और इक सिंबॉलिक सीगी
एक 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 उन्होंने सिग्नल देने की कोशिश की आ अपने हाई कमांड नूं या कह लिए उन्हां लोकां नूं जिहड़े इन्हां नूं खुल के खेडण नहीं दे रहे हैगे। हाँ, एक राजनीति दा सब तो वड्डा पंजाब दा पंगा इह है, इहदे विच जिहड़ा वी बंदा कुछ करना चाहुंदा भावें उह भगवंत मान होवे, भावें नवजोत सिंह सिद्धू होवे, भावें राजा वड़िंग होवे, उन्हां दी प्रॉब्लम इह है कि उपरले कहिंदे तूं तैनूं करन नहीं देणा, हेठले कहिंदे आ तूं करके दिखा, विचकारले कहिंदे आ तूं करदा क्यों नहीं, इक पासा कर, बंदा हमेशा फसिया रहिंदा। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਬੋਝ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਥ੍ਰੈਟ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੀ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੈਸਚਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਲਕਮ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਤੁੱਕਾਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਬੀਂਗ ਵਿਦ ਅਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਤੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੈਟ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਬੀਂਗ ਵਿਦ ਅਸ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।